अगर इस वीडियो को बनाने के बाद मेरा सब्सक्राइबर्स मुझे ठोक दे तो प्लीज़ यार मेरे लाश को ठिकाने लगा देना। देखो यार, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग मुझे भर भर के गालियाँ पेलने वाले हो, मुझे पता है, पर गालियाँ पेलने से पहले, डिसलाइक मारने से पहले थोड़ा वीडियो को पूरा सुन लो। पूरा नहीं हो सकता है तो आधा सुन लो। मैं आज इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री का करवा सच बताने वाला हूँ, और जो करवा सच है वो यही है कि मैं बिना डरे बताता हूँ, हमारे देश का ऑडियंस बिल्कुल डम्ब है। हाँ, वो लोग बिल्कुल ना समझ है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कौन अच्छी है, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन टैलेंटेड है, उसे परखने का क्षमता ही नहीं दिया गया है। अब सोच लो, बॉलीवुड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। भवेश जोशी नाम का एक बहुत बढ़िया सिनेमा आया था जो कभी हिट ही नहीं हुआ, उसका रेटिंग देख लो गूगल पे, और सलमान खान वाला कोई मूवी देख लो। इससे तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे देश का लोग कैसे कैसे मिलते हैं। आधी लोगों को समझ ही नहीं है गेम्स के बारे में। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गेमिंग इंडस्ट्री। तुम्हें पता है, एक कहानी मैं बताता हूँ। हमारे देश का जो पेरेंट्स और टीचर्स है, जो वो जब छोटे थे, उन लोगों की सर पे एक बीज रोपा गया था जिसका नाम है गेमिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जी हाँ, हमेशा वो लोग कहते हैं गेमिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, पर उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे दुनिया का आधी इंडस्ट्री गेम ने ही कवर कर चुका है। बाकी तो रह गया बॉलीवुड, हॉलीवुड वगैरह वगैरह। एक और बात भी है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में गेमिंग के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जाता है। सब चीज़ में दिया जाता है पर गेमिंग के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। जो गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, उन लोगों को गेम डेवलपर चाहिए। अगर कोई अच्छा गेम डेवलपर यहाँ पर बन जाता है तो उन लोगों को बाहर भेजा जाता है, ये कहकर ये तो इंडिया है, यहाँ पर काम की कोई जगह ही नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाकर पढ़ाई करो और फिर वहाँ पर कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। अरे भाई, तो इंडिया का क्या होगा? यहाँ पर जो गेमिंग इंडस्ट्री है, उन लोगों को जो गेम डेवलप करना है, वहाँ पर तो डेवलपर चाहिए होगा ना, डेवलपर, टेस्टर, ये सब तो चाहिए होगा, तो उन लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो गेमिंग जो पढ़ाई होती है वो बहुत कम जगह पर होती है, बहुत ही कम जगह पर यूनिवर्सिटी में गेमिंग, गेम डेवलपमेंट एंड आर्ट्स पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप। अगर तुम गेमिंग का कोई स्टार्टअप खोल लेते हो, अगर तुम गेम्स बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे पहले दो प्रॉब्लम्स मेन आएगा। तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स और कुछ आसपास नेबर्स तुम्हें ये बताएंगे कि ये क्या है, ये कोई करता है, ये सेल होता है, इसका बिजनेस चलता है, ये सब वगैरह वगैरह बातें करता रहेगा। दूसरा चीज़ ये है, अगर तुम गेमिंग इंडस्ट्री अगर सोच लो स्टार्टअप, फिर भी जोर से बना ही लिया, फिर भी हमारे देश का आधे लोग फ्री में गेम्स चाहते हैं या फिर पायरेटेड कॉपी मांगना चाहते हैं। तो सोच लो, अगर एक कम्युनिटी पोस्ट करो, उसमें सोचो तुम लोगों के पास अगर कोई सच सच कहा तो हर लोगों के पास, मैंने भी खुद भी पायरेटेड गेम्स खेला है। क्यों? हमारे पापा मम्मी पैसा नहीं देते हैं गेम्स खरीदने के लिए, इसीलिए ही तो हमारे देश में रोड रैश जैसे गेम बनते हैं जो फिर भी क्लोन है। उसमें गेमिंग आर्ट्स डाल दिया जाता है, धूम 3 वाला कैरेक्टर, आमिर खान वाला कैरेक्टर, या फिर सोच लो क्रिश वाला कैरेक्टर, ये सब डाल दिया जाता है, फिर गेम बना के क्लोन मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई भी आर्ट नहीं लगता, खुद का टैलेंट नहीं लगता। अगर खुद अपने स्टोरी लेकर कोई आगे आए तो उसे खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि सोच लो राजी, कितने स्ट्रीमर्स ने स्ट्रीम किया है भाई? किसी ने भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रीम किया है राजी। फौजी, इसे इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया कि ये अभी बैकलैश में चला गया। फौजी किसने स्ट्रीम किया? छोटे छोटे यूट्यूबर्स छोड़ के कोई भी नहीं स्ट्रीम किया। इसके बारे में तो बहुत बहुत मैसेज दिया जाता है। हमारे देश का रेपुटेशन इतना गिर चुका है कि GTA 5 जैसे गेम्स में हमें मजदूर, टैक्सी ड्राइवर जैसे बना दिया गया है। जी हाँ, पर तुम लोग तो कहोगे कि GTA 5 तो एक मजाक करने वाला गेम है, तो फिर क्या बड़े बड़े कंपनी का जो लीडर्स होते हैं वो लोग क्या है, क्या है वो लोग? वो लोग मजदूर है? वो लोग नीचे काम करता है? नहीं, क्योंकि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री ज़ीरो है, ज़ीरो। इसे कोई नहीं चाहता कि ये डेवलप हो, ना पेरेंट्स, ना टीचर, या फिर इंडियन ऑडियंस, कोई भी नहीं चाहता। छोटे छोटे स्ट्रीमर्स, जैसे कि मुझे ही सोच लो, अगर मैं GTA 5 खेलता हूँ तो 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है। अगर कोई और गेम खेलता हूँ, उसे कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर लोग कहते हैं ये खेलो, वो खेलो। हम मेरे सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, ये सच है, ये सच है जो मैं बता रहा हूँ, इससे नाराज़ मत होइयो। हाँ, मैं GTA 5 खेलूँगा अगले दिन ही, ठीक है। तो नेक्स्ट बात ये आता है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को एक चिट्ठी भेजने वाला हूँ जिसमें मुझे चाहिए तुम लोगों का वोटिंग्स।
अगर तुम लोग वोट करना चाहते हो तो वोट कर सकते हो, इस कमेंट सेक्शन में वोट करो। इसका मैं स्नैपशॉट लेकर इंडियन गवर्नमेंट को ईमेल करूंगा कि हमारे गेमिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो चलो बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।